उत्तर प्रदेश सरकार भले ही चाहे लोगों की सुरक्षा को लेकर कितने ही वादे क्यों ना कर ले, लेकिन महिलाओं और पुरुषों पर इस समय अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार की सुबह गांव शहजादपुर से कुछ लोग रहेड़ा गांव के लिए एक गमी में बैठने के लिए जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी छाता पहुंची, तभी उन्होंने अपनी गाड़ी को कुछ देर के लिए NH2 हाईवे पर बने बॉबी ढाबे पर रोक लिया। वहां पर कुछ लोग पहले से ही दारू पी रहे थे। दारू पीने वालों को गाड़ी का रुकना अच्छा नहीं लगा। तब उन्होंने गाड़ी वाले से कहा कि यहाँ से फौरन चले जाएं। उन्होंने कहा कि हमारी एक सवारी आ रही है, हम अभी जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद होटल पर मौजूद दारूबाजों ने उन्हें गाली गलौज देना शुरू कर दिया। गाली सुनते ही दोनों तरफ से गर्मा गर्मी शुरू हो गई। उसके बाद फिर लाठी डंडे भी चल गए, जिसमें गाड़ी में बैठी हुई कुछ महिलाओं के भी चोटें आईं और उसके बाद होटल के अंदर भी तोड़फोड़ हो गई। जब मामला बिगड़ता दिखा तब डायल 100 पर सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसी दौरान वहां पर मौजूद दौलत राम ने बताया कि वे लोग रहेड़ा गांव के लिए एक गमी में जा रहे थे। उनके साथ 10-20 महिलाएं भी थीं और वे 5-6 आदमी थे। उन्होंने अपनी गाड़ी को बॉबी होटल पर रोक लिया। इसके बाद क्या कुछ हुआ ये हम पहले बता ही चुके हैं। बहरहाल पीड़ित पक्ष के दौलत राम ने बताया कि होटल वाले मुरारी नेता के लड़के हैं, जिनका नाम प्रताप और हरदेव बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? फरकान। कहाँ के रहने वाले हैं? शहजादपुर। अच्छा बताइए, चोटें आपको आई है, क्या मामला है? ये मामला ये जी, हमारे जो फाइनेंसर है जो वहाँ पे हम खड़े थे, तो हमें उनसे बातचीत करने लगे अपने पेपरों के बारे में। तो वो आके बोले कि भाई क्या प्रॉब्लम है इनकी। जी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपने बता रहे हैं। कौन बोलने लगे? वहाँ होटल वाले थे। अच्छा, प्रताप सिंह और हरदेव सिंह। तो उन्होंने फिर भाई वो चले गए। फिर बाद में आए, बोले क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं भाई, हम आपस में बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आके उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। अच्छा, ये कारण हुआ है हमारे साथ। तो क्यों उन्होंने मारपीट की, ऐसी क्या वजह रही? क्या पता जी, कोई बताया नहीं। वो पीने वाले थे, आज दारू पी रखी थी उनने, और दारू पी कर ये पूरा हमारे साथ में करा। अच्छा, कितने लोगों के चोट है? लोग तकरीबन हमारे 10-12 लोग हैं। वो लोग कितने थे मारने वाले? मारने वाले 2 और 4-5 अनेक थे जी, और 2 तो खास है ही थे वहाँ पे, जो डंडा वंडा था उनके पास में। अच्छा, तुम लोग कितने थे, कितनी महिलाएं थी? क्या महिला थी हमारी? ऐसी 20 महिलाएं थी। 20 महिला थी, तो महिला से मारपीट हुई? हाँ, उनके साथ में मारपीट करी उन्होंने, कई के हाथ में डंडे वंडे लग गए। तो आपको चोट कितनी आई? आपको हमारे सिर में है जी, और हमारी ये कोठा पे है जी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? त्रिवेणी। कहाँ के रहने वाले? शहजादपुर। अच्छा बताएं त्रिवेणी, आज क्या मामला हुआ, जो छाता थाने में आप यहाँ आए हो भीड़ के साथ में, क्या मामला है? जी हम वहाँ एक वहाँ पे एक गमी में जा रहे थे, वहाँ गाड़ी खड़ी करी, एक हमारी जनानी हमारे साथ आ रही है, जा रहे हैं हम, और वो जो आके जो कह रहे कि मतलब यहाँ से गाड़ी हटाओ। कौन लोग कह रहे थे? वो कह रहे होटल वाले। तुमने गाड़ी वहाँ होटल के आगे खड़ी कर ली थी? हाँ। अच्छा, फिर वो जो कह रहे कि यहाँ से गाड़ी हटाओ, हम जो कह रहे एक हमारी औरत आ रही है, तो उन्होंने इतने में मारपीट शुरू कर दी। अच्छा, तो मारपीट हुई, और भी कोई बात हुई वहाँ पर? वो मतलब हंगामा है वो पूरा, सब उतर पड़े हमारे आदमी में, हमें जनानी सब में, उन्हें मतलब उन्हें सरिया दिए, उन्हें डंडा दिए, एक की खोपड़ी फाड़ दी, हमारे हाथ तोड़ दिए। कितने लोगों के चोट है? 8-10 आदमी की चोट है हमारे। अच्छा, कोई सामान वगैरह भी उन्होंने छीना या कोई? हाँ, एक चेन, एक झुमकी। क्या नाम है तुम्हारा? सरोज। क्या नाम है? सरोज। कहाँ के रहने वाले हो? तो बताएं, छाता थाने में आप खड़े हो, क्या मामला है? भैया मारपीट हुई है, गाड़ी खींच लिया, गाड़ी में ड्राइवर खींच लियो, मारो हम बचा रहे, उनने बचा रहे, फिर हमें देंगे। किन लोगों ने मारा है? केरार के बताए लग रही है उन्हें होटल। हमें तो भैया जाने ना, कोने कौन ना। तो ये बताओ, तुम होटल पे क्या कर रहे थे? हम जा रहे, हमने कर के हमारा ड्राइवर और एक मानसून लेकर के जा रहे, बताए भाई फिर चाबी चलाइए से डाकर को खींच लिया हमारे ड्राइवर को, मारे ड्राइवर। होटल वालों से क्या जानकारी थी आपको? कछु जानकारी ना है, हम ना जानते भाई, लाला को सारे से बात कर रहा हूं, हम ना जानते भैया भाई, लाला के सारे मार में लग रहे हो। आप लोगों की चोट भी आई है कहीं? हमारे चोट के मरण में आई है भैया, चोट तो नहीं गई है यहां पे, और किस किस की आई है? हमारी ये जठानी की आई है, इनकी कमर में आई है, सरिया दई है, सरिया दई है, सरिया दई है, डंडा है, वैसे वैसे डंडा है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराम। कहाँ के रहने वाले शिवराम? धनवारी गाँव में। तो भैया साइकिल से आया हूँ यहाँ बाजार में। अच्छा, क्या मामला हुआ यहाँ होटल? यहाँ गाड़ी ठारी। गाड़ी ठारी, वो गाड़ी ने मतलब ये ड्राइवर ना ये बैरवानी बोले गई यहाँ से काबू छह चाप बजी बुलाए गई कोई होटल वाली गाड़ी हटा यहाँ का ठारी कर रहा है हमारी भैया आ रही है हमारी एक बैरवानी अब हाल हम ले जा रहे वो कहते ना गो गाय देने लगे भैया गाय गाय दे रहा हूँ हमका गाड़ी यहाँ को झे रहे थे रहे होटल पे वन कहीं झड़को पकड़ के नहीं हम दे रो और दे रो जो उतरे वहाँ दे और दे और दे और लेगो लड़ाई शुरू। अच्छा, गलती किसकी रही? होटल वाले की। होटल वाले की थी? हाँ, बस होटल वाला हर दिया बनाओ यहाँ। अच्छा, और रही है कौन लोग थे हम जो हमें कहा पता सर कौन है कहाँ गया आपका जानती हो।